अच्छा जी, आज मैं हूँ घर में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ अपना घर भी। आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। एक मेरी सिस्टर ने कहा है कि आप अपना पूरा घर दिखाएं, जैसे हमें पुराना घर दिखाया था, तो मैं उनको घर दिखाऊंगी अपना। और दूसरी बात यह कि आज मेरे घर में हूँ ना, तो अब्बू भी मेरे घर में है। अब्बू इससे पहले कि बाहर निकल जाए, मैंने कहा आप लोगों की अब्बू से बात करवा दी, जो लोग कहते हैं आपके अब्बू ने आपको परमिशन दी है कि नहीं। चले जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा रुको, मैं तो सुना ज़रा नाल आवा। अबू जी उन 10 लोगों को फिर सारे नु कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। सबसे पहले सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गल एवे के मैंने सारे लोगों ने मसलन किया कि भई तेरी बच्ची जड़ी है ना, पहले तो मैं नाराज़ रहा इस दा नाल, फिर उस तो बाद बच्चा मैंने कहा कि भई ये नहीं सही है, तुसी देख लो, तुसी अपने दोस्तों को पूछ लो। फिर मेरे दोस्तों ने देखा, मेरे उन्होंने दोस्तों मेरे सारे मैंने आख्या कि नहीं जी नहीं, ठीक है जी, ये तुसानी बच्ची ठीक काम भी करनी है ना, तो ये कोई ऐसी गल नहीं है, कोई बेहदगी नहीं है, कोई ऐसी मसला नहीं है। इस कॉलर भी रखा हुआ होना है दुपट्टा जा। तो मैं फिर उसे क्या, मैं क्या अच्छा चल धीए गल है कि अस ये चीज़ चाहते हैं कि अस ना सर ना नीवा हो बकाया है कि चलो ठीक है, तुसा जरा ना करने हो करो। तो मैं उन्होंने सारे जड़े वो इसी सारे जड़े करने के आखने के लाइक के क्या बुला जी, तो ये जड़ा ना मैं सारे ना तुसा ना सारे ना शुक्रिया अदा करना, तो खास कर जो माड़े कश्मीरी भरा उन्होंने मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। जो बहर भी मुल्क ने बेच समुंदर पार हैं, जो पता नहीं केड़े केड़े मुल्क च, तो उन्होंने सारे ना माड़ी तरफ शुक्रिया बहुत बहुत। ते मैं ते हुन जरा कुछ सही सही लगना पया कि ठीक कर। हां ते तीन मैं तुम्हें जेड़ी वीडियो ते सानू वीडियो दिखानी है सारीयां अब्बू। हां ओ ते मैं हले तक ते ठीक ही लगी हन, कोई उसी चासी गल नहीं है, मगर ए के जेड़ी गल हो इस कीती ना के जेड़े मेरे नाल लेवन सारे जेड़े इस नाल ने जेड़े मसन मजदूर मैं नाखना भी नहीं अच्छा लगना, ते ओ उना लोगां वास्ते जेड़ा ना ज्यादा ते ये कुछ काम कर कि उन्हें कुछ कोई मसला बने, कोई उन्होंने घर बैठे उन्होंने जड़िया मुश्किल ना आसान होवन। हाँ। कोई हुकूमत कोई और बाहर ने मुल्क वाले जड़े ना उन्होंने तावन करन, उन्होंने कुछ सिलसिला बनावन कि उन्होंने माँ प्यो उन्होंने भी दवाइया दारू करने ते नाल उन्होंने खाने पीने ना भी करने, तो महंगाई बहुत हो गई है, तो महंगाई असें जड़ा ना बड़ा किया है। चलो अल्लाह का शुक्र है कर उम्मीद है कि अब्बू के साथ आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा, मेरे अब्बू कहते हैं कि मरियम तुमने ये करना है, बेटा मरियम आपने ये करना है, तू यह करना वे कि तू ना तेरे नाल ने तू भूली गई है कि तू तेरे नाल वाले लोगों की मदद करनी है। इस तरह मैं क्या अब्बू जी मैं नहीं भूली, मेरी एक वीडियो जी है टॉप से लगी हुई है, तो वो फिर मैंने अब्बू को ये बात अपने समझाई है कि इंशाल्लाह जब मैं हो जाऊँगी तो मैं अब मैं सोच रही हूँ कि सारे जो मेरे साथ के हैं ना लोग इंशाल्लाह, तो उन सारे लोगों वो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें तो मैं उनके साथ भी ऐसे इंटरव्यूज़ किया करूँगी। पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो जो लोग मेरी तरह के हैं और जो सारे हैं, तो वो ना मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करें, मतलब कि किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जो कुछ भी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करें, फिर मैं उनकी वीडियोस उन लाहौर और पिंडी और इस्लामाबाद में आके ना मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूँगी और फिर मैं आप लोगों के घर में आऊँगी और मैं अब यह काम शुरू करने लगी हूँ। ठीक है ना, इंशाल्लाह।